इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमटी हैदराबाद के बारे में। वैसे आईएमटी गाजियाबाद को तो सभी जानते हैं, बट आईएमटी हैदराबाद कैसा ऑप्शन है, लिस्ट में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीजों को डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। गाजियाबाद जिसको सभी जानते हैं, 90% कैट जैट में आप उस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद इनके दो और कैंपस हैं, इसके बाद जो एस्टैब्लिश हुआ था दैट वाज आईएमटी नागपुर, और सबसे लास्ट कैंपस जो एस्टैब्लिश हुआ था वो है आईएमटी हैदराबाद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉज इन टच विद स्टूडेंट जो कि आईएमटी नागपुर में पढ़ रहे हैं, और उनका भी ये कहना था कि नागपुर से ज्यादा अच्छा हैदराबाद कर रहा है। दैट कैन बी माइट बी फॉर बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, दैट माइट बी कैन बी फॉर बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज नागपुर वाला कैंपस कुछ ज्यादा ही आउटस्कर्ट्स में है। पर देखते हैं कि ये लिस्ट में कैसा ऑप्शन है और आपको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था। 2011 में स्टैब्लिश हुआ था, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल पुराना कॉलेज है, बाकी आई थिंक इतना कोई जानना नहीं चाहता है। अब अगर हम हाईलाइट्स के बारे में बात करें व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज, 2011 में स्टैब्लिश हुआ था, AICTE अप्रूव्ड है, रैंकिंग्स कई दी हैं, पर ना मैं देखती हूँ और ना मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेजेस में एडमिशन लो। उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में, तो तब तक बने रहना है। कोर्सेज कई सारे ऑफर करता है, एवरेज CTC 7 लाख का है, हाईएस्ट जो है 16 लाख का है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कई सारी यूनिवर्सिटी से कोलाबरेशन है, यूनिवर्सिटी इन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कैनेडा, चाइना, फॉर यू नो काइंड ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। अगेन ये रैंकिंग है, एंड फिर मैं वही कह रही हूँ, मैं इस पार्ट को स्किप करती हूँ, बिकॉज देखो होता क्या है कि रैंकिंग में आने के लिए आपको सिर्फ पैसा चाहिए, राइट? स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीज प्राइवेट कंपनीज हु यू नो गिव रैंकिंग। NIRF की रैंकिंग ऑथेंटिक है, बट MBA में स्टूडेंट्स को चाहिए होता है प्लेसमेंट, और NIRF की रैंकिंग में भी प्लेसमेंट पैरामीटर होल सोल पैरामीटर नहीं होता है। तो तुम्हें चाहिए प्लेसमेंट और उसके बेसिस पर रैंकिंग देखोगे तो बाद में पछताओगे, फिर कहोगे कि मैंने बताया नहीं। अब हम कोर्सेज की बात करें तो PGDM जनरल कराता है, मार्केटिंग में कराता है, जिसके लिए कैट, जैट, जीमैट, सीमैट, जीमैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट दैट इज जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज अगर आप एक MBA एस्पिरेंट, तो आपको पता होगा कि ये तो बस दिखाने के लिए लिख देते हैं कि ये एलिजिबिलिटी है, बट एडमिशन मिलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वैसे इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए उतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस विच कम्स अंडर Tier 1। एग्जीक्यूटिव PGDM भी कराता है, 5 years का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू गोइंग टू अ कॉलेज, राइट? सो अगर हम यू नो प्लेसमेंट 21 का देखें और 20 का देखें, राइट? तो दोनों का एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं सेम है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बट दैट इज एटलीस्ट गुड, बिकॉज मैंने कॉलेजेस का देखा है कोविड के टाइम, जहां प्लेसमेंट में डिप था, कॉलेजेस में 3-3, 4-4 लाख का एवरेज पैकेज में डिफरेंस आ गया है, बट एटलीस्ट चलो ठीक है, संतुष्टि है थोड़ी सी। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 20 लाख का है, राइट? उसके अलावा अगर मैं टॉप एवरेज CTC फॉर टॉप 10 स्टूडेंट्स 13 लाख का है, देन उसके अलावा अगर हम टॉप 20% स्टूडेंट्स की बात करें, राइट? तो आप देख सकते हैं 10,91,000 का एवरेज CTC है। देन अगर आप टॉप 50% में हैं, टॉप 50 ऑफर्स में हम बात करें, तो 9,16,000 का एवरेज CTC है। टॉप 100 ऑफर्स की बात करें, 8,24,000 का CTC है। टॉप कंपनीज में गोल्डमैन सैश, राइट, एमेजॉन, डेलॉयट, देन बकैडिया, ये सारी कंपनीज प्लेसमेंट लेके आती हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट, राइट, कहीं ना कहीं आईएमटी गाजियाबाद के लिए एलिजिबल तो है, राइट, बट अगर उसका वहां कन्वर्ट नहीं होता है तो उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर वो आईएमटी हैदराबाद और नागपुर चूज करता है तो उसकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ स्कोर एंड यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कॉलेज, बिकॉज जिस स्टूडेंट का 90-92% होगा वो कहीं ना कहीं यार उसका अकेडमिक भी अच्छा होगा और वो खुद भी अच्छा होगा, तो उनको पता है कि अगर ऐसे स्टूडेंट मेरे कॉलेज में आएंगे तो प्लेसमेंट अच्छा होगा। बिकॉज देखो प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जो कभी भी कॉलेज पर डिपेंड नहीं करती, कॉलेज सिर्फ कंपनीज को बुला सकता है, एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आप ही को मिलना है, आप ही को लगना है, और यही सारी चीजें सोच समझ के आपको डिसाइड करना है। इसमें प्रोफाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है, बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल होता है, बिकॉज MBA में कभी आप एक कॉलेज देखते ही नहीं हो, तो
उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करा सकते हो, पूछ सकते हो जो कॉलेजेस आपने देखे हैं या जो कॉलेजेस आप देखना चाहते हो उनके बारे में। तो ये था यार प्लेसमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें समर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स की, तो 21 की जगह इन्होंने 22 कर दिया है, तो ये थोड़े से नंबर्स गलत हो गए हैं कंटेंट राइटर, तो उसको नहीं देखते हैं। अगर मैं 21 की बात करूं तो 101 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, 195 इंटर्नशिप्स थी, राइट। अगर हम परसेंटेज की बात करें, राइट, कि कितनी स्टाइपेंड पे किया था, तो 57% हाईएस्ट स्टाइपेंड जो था वो 60,000 था पर मंथ, राइट। एवरेज स्टाइपेंड जो था वो दैट इज 11,946। टॉप रिक्रूटमेंट सेक्टर्स जो थे दैट इज कंसल्टिंग कंपनीज में अडावा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट, एडवांस इंडिया ऑटो पार्ट्स, देन डालमिया सीमेंट्स, डी शॉ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने इंटर्नशिप ऑफर की। जॉब रोल्स में मैनेजमेंट ट्रेनी, प्रोडक्ट कंसल्टिंग ग्रुप, प्राइसिंग एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट एनालिसिस, ये सारी प्रोफाइल्स थी, यू कैन हैव अ लुक। मैं अगेन बात करूं कि ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बस थोड़े से ये स्लाइड्स कंप्लीट करते हैं, फिर हम मुद्दे की बात पे आते हैं। दैट इज टॉप रिक्रूटमेंट टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें, तो ये सारी प्रोफाइल थी जिस पे हायर किया, फैसिलिटीज ये सारी है। कंपनीज की हमने बात कर ली, प्लेसमेंट की बात कर ली। एडमिशन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सारे ही एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, तो 80% के आसपास 75-80 पे आप अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज के लिए। अब मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपका IMT गाजियाबाद में नहीं होता है और आप इनमें चाहते हो, तो आपको ट्यूशन फी भी पूरी माफ हो जाती है। पर ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप IMT नागपुर और हैदराबाद में कंफ्यूज हो, तो अनडाउटेडली यू कैन गो विद IMT हैदराबाद, बिकॉज ये ग्रो कर रहा है। दो ये बाद में एस्टेब्लिश हुआ है, बट स्टिल ये ग्रो कर रहा है। क्लब्स अच्छे हैं, एक्टिविटीज अच्छी है, अभी कोई बहुत रिनाउंड एलम नहीं है, बट स्टिल IMT का ब्रांड है। और अगर आप IMT ब्रांड वाइज ही जाना चाहते हो, तो फिर इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रख सकते हो प्रायर टू IMT नागपुर। सेकेंडली, एवरेज पैकेज 7 लाख आप ये मान सकते हो, 6-7 के बीच में है, विच इज नॉट वेरी गुड ऑल्सो लुकिंग एट दी ब्रांड, बट स्टिल अगर आपका टच स्कोर नहीं है, आप लिस्ट में रखते हो, तो आप देख सकते हो कॉलेज को। कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको देख रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और भी कई सारे ऑप्शंस पैरेलली आपकी लिस्ट में होंगे, जिसको लेके आप कंफ्यूज होगे। तो अगेन, स्पेशलाइजेशन, बजट, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉर अ कॉलेज, दैट इज समथिंग यू नीड टू एनालाइज, राइट। इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि मैम IMT हैदराबाद लूं या नहीं लूं, तो यार मुझे लगता है कि डिसेंट ऑप्शन है, आप रख सकते हो, आप देख सकते हो। बट अगर आप बोलो कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से लूं या नहीं लूं, तो अगेन आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज हर स्टूडेंट की प्रोफाइल वेरी करेगी। एंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप वो चाहते हो, तो उसके लिए नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको चाहो तो फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन IMT हैदराबाद। आई होप यू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस, कीप वॉचिंग आवर चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।